दोस्तों दोस्तों क्या आप लोग एक वीडियो क्रिएटर हो, या फिर दोस्तों आप लोगों ने अब मन बना ही लिया कि अब आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर वीडियो क्रिएटर बनना है। तो दोस्तों वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, जिस स्मार्टफोन के हेल्प से दोस्तों आप एक अच्छी क्वालिटी में, एक 4K क्वालिटी में आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सको। एंड देन नेक्स्ट दोस्तों आप उसे एक प्रोफेशनल वे में आप उसे एडिट कर सको, एंड उसके बाद आप उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सको या फिर कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे जहां आप चाहते हो उसे अपलोड कर सको। तो दोस्तों आप बिल्कुल ही सही जगह पे है, बिकॉज दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जिसके हेल्प से दोस्तों आप HD क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड दोस्तों प्रोफेशनल वे से उसे एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप मिस मत करना, बस एंड तक वीडियो को देखना, आपका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चले करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग सेकंड। सबसे पहले दोस्तों अगर आप किसी भी पर्पस से स्मार्टफोन ले रहे हो, चाहे दोस्तों आप गेमिंग के लिए ले रहे हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही क्यों ना ले रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपका एक बजट होगा ना, कि आपका बजट है 30,000 से प्लस या फिर दोस्तों आपका बजट 10-20,000 के बीच में ही है। अगर दोस्तों अगर आपका बजट 30,000 से प्लस है एंड आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसके हेल्प से दोस्तों आपको एक अच्छी क्वालिटी मिले वीडियो रिकॉर्डिंग में, दोस्तों आप एक प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड कर सको, तो दोस्तों अगर आपका बजट 30,000 से प्लस है देन दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मार्केट में मिल जाएगी जिसके तरफ आप जा सकते हो, बिकॉज दोस्तों जो जो चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ दोस्तों आपको 30,000-50,000 के रेंज में वो ऑलरेडी से अवेलेबल देखने को मिल जाती है। जहाँ बात करें अगर बजट आपका 10-20,000 है देन दोस्तों आपको वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाती है जिस स्मार्टफोन को आप बाय कर सको, एंड उस स्मार्टफोन के हिसाब से आप 4K क्वालिटी में अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सको या फिर दोस्तों आप उस स्मार्टफोन से एक प्रोफेशनल वे में उसे रिकॉर्ड करने के बाद एडिट कर सको। डोंट वरी दोस्तों, आगे के आज के इस वीडियो में एक स्मार्टफोन लेके आया हूं, अगर आपका बजट 10-20,000 है तो यहाँ पे एक स्मार्टफोन है जो कि दोस्तों आपको ये सारा चीज़ प्रोवाइड करती है, वो दोस्तों वीडियो के आगे मैं बात करता हूँ। एंड एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन कोई सा भी लो उससे पहले दोस्तों आप कुछ चार चीज़ को आप मैक्श्योर कर लेना कि उस स्मार्टफोन में है, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं दोस्तों ऑल ओवर अभी 70 वीडियोस पे प्लस यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, तो इसी सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपके स्मार्टफोन में नेसेसरी है, देन दोस्तों आप एक अच्छी क्वालिटी में, एक अच्छी प्रोफेशनल वे में आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों यहाँ पे चार पॉइंट्स है मेरे पास जो कि दोस्तों आपके स्मार्टफोन में बहुत ही नेसेसरी है, तभी आप उस स्मार्टफोन को बाय करना, चाहे आप कोई सा भी स्मार्टफोन बाय करो, तो ये चार पॉइंट आप पहले देख लो, उसके बाद दोस्तों आप डिसीजन ले लें। मेरा जो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो है दोस्तों कैमरा। जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ के पीछे बिल्कुल भी मत भागना कि इस फोन में भाई 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, चाहे दोस्तों इस फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा, इसके पीछे तो आप बिल्कुल ही मत जाना। दोस्तों अगर आपको YouTube वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो सबसे पहला आप मैक्श्योर कर लेना कि इस फोन के कैमरे में कौन से सेंसर को यूज किया गया है। अगर उस फोन में दोस्तों एक सोनी का सेंसर है या फिर दोस्तों आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आप उसे प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों ये सब सेंसर जो है दोस्तों मिड रेंज में एक अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड सेकेंड चीज है दोस्तों EIS और OIS, बिकॉज दोस्तों इसी के हेल्प से दोस्तों आप अगर मान लो आप ब्लॉगिंग करते हो देन दोस्तों आप आउटडोर में करते हो एंड इधर उधर चलते बुलते आप उसे रिकॉर्ड करते हो अपने वीडियो को, तो दोस्तों वहां पे आपका हाथ बहुत ज्यादा शेक करता है जिस कारण से दोस्तों आपका वीडियो भी सेक करता है, तो वहाँ पे दोस्तों EIS एंड OIS के हेल्प से दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी आउटपुट देखने को मिलती है अपने वीडियो में। OIS की बात करें तो वो दोस्तों आपको 10-20,000 के बजट में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी, बट EIS आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दोस्तों OIS आपको महंगे फोन में देखने को मिलती है। अगर बजट आपका 30,000 है, 30,000 से प्लस है, तो वहीं पे आपको OIS वगैरह देखने को मिलेगी, बट दोस्तों मेजोरिटी ऑफ चांसेस की OIS आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट दोस्तों EIS आपको बजट फोन में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों आप मैक्स श्योर कर लेना कि आप अगर स्मार्टफोन ले रहे हो आपका बजट 10-20,000 है तो देन वहां पे दोस्तों आपको EIS भी रहना चाहिए उस स्मार्टफोन में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों रैम एंड स्टोरेज। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 4K क्वालिटी में अपने वीडियो को चाहे ब्लॉग को रिकॉर्ड करोगे देन दोस्तों वहाँ पे आपको स्टोरेज ज़्यादा कंज्यूम करने वाली है उस चीज़ को रिकॉर्ड करके स्टोर करने के लिए, तो दोस्तों उससे पहले आप कोई सा भी स्मार्टफोन लो, आपका बजट कुछ भी हो 30,000 से अबव, चाहे आपका कुछ भी बजट हो, तो उससे पहले आप एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि आप जो भी स्मार्टफोन ले रहे हो उसमें आपको मिनिमम 6GB रैम रहना चाहिए एंड मिनिमम 128GB स्टोरेज तो रहना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आप ले सकते हो बट दोस्तों उससे आप 6GB एंड 128GB से कम बिल्कुल भी मत लेना। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वह है दोस्तों चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, आप तो ये बात हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए आपको एक अच्छी क्वालिटी में आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट तो रिकॉर्डिंग के बाद तो आपको एडिट भी करनी है,
तो दोस्तों आप चिपसेट की अगर बात करें तो वहां पे आप मैक्श्योर कर लेना कि दोस्तों आप कोई सा भी स्मार्टफोन, आपकी बजट कुछ भी हो, तो दोस्तों वहां पे आपको एक स्नैपड्रैगन का चिपसेट रहना चाहिए। बिकॉज दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि दूसरा जो जो चिपसेट है, चाहे बात कर ले हीलियोजी, ये सब चिपसेट अच्छी नहीं होती, चिपसेट अच्छी होती है, बट दोस्तों ये जो स्नैपड्रैगन है इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छे देखने को मिलती है, जिसके हेल्प से हमें एक अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिलती है एंड एक अच्छी एडिटिंग भी अपने स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। सो आप मैक्श्योर करना कि आपके फोन में स्नैपड्रैगन रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हुआ दोस्तों हमारा डिस्प्ले। बिकॉज दोस्तों आपने 4K क्वालिटी में अपने वीडियो को रिकॉर्ड तो कर लिया, बट दोस्तों जब आप उसे एडिट करने जाओगे, चाहे आप उसे देखने जाओगे, तो यहाँ पे ये भी तो जरूरत है कि आपका डिस्प्ले जो है वो 4K चाहे यहाँ पे फुल HD तक का भी सपोर्ट करे। सो दोस्तों इससे पहले कि आप स्मार्टफोन लो, ये भी एक मैक्श्योर कर लेना कि आपका फोन जो है वो कम से कम एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, एक अच्छी क्वालिटी को सपोर्ट करे, मिनिमम दोस्तों वो फुल HD तक का सपोर्ट करो। एंड दोस्तों हाँ, एक चीज़ और देखना कि आपको अगर AMOLED डिस्प्ले मिल जाए, सुपर AMOLED डिस्प्ले भी मिल जाए, तो वो तो और भी अच्छा रहेगा। एंड साथ ही दोस्तों एक पॉइंट आप और भी देखना कि उसमें HDR10 वगैरह, 10 बिट वगैरह का सपोर्ट रहना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग करने बाद एक अच्छी व्यू देखने को मिल जाएगी। एंड एक एक्स्ट्रा और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और आप मैक्श्योर कर लेना कि आप कोई भी स्मार्टफोन लो तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक बिग बैटरी देखने को मिले। बिकॉज दोस्तों आप जब भी रिकॉर्डिंग करोगे, देन ऑब्वियसली बात है कि 4K में आप रिकॉर्डिंग करने जाओगे, चाहे आप एडिटिंग करने जाओगे, तो दोस्तों आपको वहाँ बैटरी कंजप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो आप ये भी कोशिश करना कि आप जो भी स्मार्टफोन ले उसमें आपको मिनिमम 4000 mAh तो बैटरी देखने को मिलने ही चाहिए। दोस्तों यही जो कुछ 4-5 पॉइंट्स है दोस्तों, ये आप मैक्श्योर कर लेना कि आप कोई सा भी स्मार्टफोन ले, आपका बजट कुछ भी हो, बट दोस्तों ये सब चीज़ें जो 4 पॉइंट मैंने बताया ये आपके स्मार्टफोन में होना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये सब चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, जो चीज़ मैं अभी तक सीखते आया हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, 70 वीडियो से प्लस मैंने अभी तक वीडियो को रिकॉर्ड किया, एडिट किया। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप बिल्कुल से देख लेना कि आपके स्मार्टफोन में ये सब चीज़ रहना चाहिए। चलिए ये तो हो गया। आप नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपका अगर बजट 10-20,000 देन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, हाँ एक बात मैं अभी बताता हूँ, करंट डेट के हिसाब से मैं ये एक स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में डे टू डे नया स्मार्टफोन आते जाती है एंड अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आते रहती है। सो दोस्तों ये अभी करंट मार्केट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इसी रेंज में और भी बेहतर फीचर्स, और भी बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिले। सो आप ये भी ध्यान रखना कि ये मैं अभी करंट डेट के हिसाब से ये बता रहा हूँ। सो वो फोन है दोस्तों IQ Z3, जो कि दोस्तों ये जो IQ Z3 फोन है, जो भी मैं आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताया, ये सभी 4 या 5 पॉइंट को ये अच्छी तरह से फुलफिल करता है। सो इसी के लिए बेसिकली मैं इस फोन को अपने लिस्ट में लेना चाहता हूँ एंड आप इसे मैं आपको प्रेफर भी कर सकता हूँ कि अंदर आपका बजट अगर 10-20,000 है तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। चलिए आप थोड़ा इस फोन के मैं आपको स्पेक्स वगैरह बता दूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों आपको 1.8 अपर्चर भी इस सेंसर में देखने को मिल जाएगी। एंड जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में 4 पॉइंट्स बताए थे, उस 4 पॉइंट में एक चीज़ मैं आपको क्या बताया था, कैमरा में आप मैक्श्योर कर लेना कि आपको सोनी का सेंसर हो या फिर सैमसंग का सेंसर हो। सो दोस्तों इस फोन में आपको सैमसंग का एक सेंसर देखने को मिल जाती है, GW3 एक सेंसर इस फोन में आपको देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट सेकेंड सेंसर की बात करें तो वो दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाती है, जो कि अल्ट्रा वाइड होने वाली है एंड इसका अपर्चर आपको दोस्तों 2.4 अपर्चर देखने को मिलने वाली है। एंड अब लास्ट एक थर्ड कैमरे की बात कर लो, वो है दोस्तों माइक्रो सेंसर, जो कि दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाली है, इसका अपर्चर 2.4 रहने वाली है। एंड हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। सो आप अगर चलते हुए घूमते हुए रिकॉर्डिंग करें तो दोस्तों आपको वहाँ पर ज़्यादा सेक देखने को वीडियो में नहीं मिलेगी। एंड हाँ दोस्तों, अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस स्मार्टफोन के हेल्प से दोस्तों आप 4K 60fps के साथ कर सकते हो, जो कि दोस्तों मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात लगी इस स्मार्टफोन में। वहीं पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ एक सेंसर देखने को मिल जाती है, जिस कैमरे के साथ दोस्तों आप 180p के साथ 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इस फोन में आपको 6GB 128GB वेरिएंट भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपका बजट बिल्कुल ही एक्यूरेट है तो देन दोस्तों आप
इसके तरफ भी जा सकते हो। इसमें भी आपको 6 GB 128 GB अवेलेबल देखने को मिल रही है। चिपसेट आपको दोस्तों यहाँ पे स्नैपड्रैगन 768G देखने को मिल जाती है, जिसमें कि दोस्तों आप एक अच्छी एक प्रोफेशनल वे में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड GPU की बात करो दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेनो 610 का एक GPU भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस चिपसेट के साथ दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मजे आने वाली है अपने वीडियो को एडिट करने में। डिस्प्ले में दोस्तों यहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पे आपको एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें कि दोस्तों आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कुछ जो एक डाउन साइड बताता हूँ वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में लगा, बट दोस्तों यहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिल रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो सब कोई प्रॉब्लम ज्यादा आपको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। बैटरी इस फोन में आपको 4400mAh की देखने को मिल जाएगी, एंड साथ ही इस फोन में आपको 55W का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाए, जिसके हेल्प से दोस्तों आप 55 मिनट में ही अपने फोन को 0 to 100% चार्ज कर सकते हो। तो यही कुछ स्पेक्स थी इस स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों मेरे जो क्राइटेरिया थे उसको पूरी अच्छी तरह से फुलफिल कर रही थी, उसी कारण से मैंने इसे अपने लिस्ट में लिया। दोस्तों आप स्मार्टफोन कोई भी लो, बट दोस्तों मैंने जो शुरुआती के वीडियो में आपको कुछ चार पॉइंट्स बताए थे वो दोस्तों आप मेक श्योर कर लेना, देन दोस्तों आप उस कोई सा भी स्मार्टफोन को बाय करना। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।